close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। ये वीडियो सभी टेनिस बॉल प्लेयर्स के लिए और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस, आज हम बात करेंगे हर बॉल पे सिक्स कैसे लगाएं। गाइस, बहुत ज्यादा आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं भैया छक्के नहीं लग रहे हैं, हर बॉल पे छक्का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, वो भी आज मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि बहुत भाई बार बार पूछते हैं। तो गाइस, सभी बैट्समैन के लिए जो बैटिंग करते हैं, जिनको भी छक्के लगाने लंबे लंबे छक्के लगाने का मन करता है, तो आज इस वीडियो में बता दूं, इस वीडियो से आज आपका पूरा हो जाएगा वो सपना। इसके बाद आप छक्के लगाओगे और अच्छे अच्छे बॉलर पे भी लगाओगे। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या माइंडसेट होगा अगर आपको हर बॉल पे हिट करना है, मतलब हर बॉल पे छक्का मारने की ट्राई करनी है, वो भी लंबे लंबे। सबसे पहले वो बात करूं, उसके बाद टेक्निक बताऊंगा जो आप हर बॉलर के सामने यूज कर सकते हैं और छक्के जाएंगे वो भी लंबे लंबे। उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। गाइस, सबसे पहले बता दूं हर बॉल पे छक्का मारना पॉसिबल नहीं है। और गाइस, जैसे युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए थे, हर बॉल पे छक्का लगा दिया था, तो वो रोज रोज नहीं होता। देखो, लाइफ में उन्होंने एक ही बार किया। तो गाइस, ऐसा आपके साथ भी रोज रोज नहीं होगा, वो कभी कभी होगा। पर होगा कब? जब आप चारों तरफ खेल रहे हो, जब आप चारों तरफ छक्के लगा रहे हो, वो जब ही होगा। अगर आप एक ही तरफ खेल रहे हो, एक ही तरफ छक्के लगा रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर बॉल पे छक्का मारना, मतलब तो हिट करना उतना ही मुश्किल होगा अगर आप एक ही साइड लगा दे। तो आज से आपको सीखना क्या, अगर हर बॉल पे छक्का लगाना है आपको चारों तरफ खेलना आना चाहिए। अगर आप चारों तरफ खेलोगे तो छक्के लगने पॉसिबल है। अब आपको बता दूं क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको स्टांस बता दूं, स्टांस क्या रहेगा। स्टांस सबसे ज़्यादा मेन है अगर आपको छक्के मारने, हर बॉल पर आपका टारगेट है छक्के मारने का। जैसे आपने स्टांस लिया इस टाइम, तो स्टांस तो लोगे थे कभी भी गाइस, ये खोल के स्टांस नहीं, मतलब बहुत ऐसे खड़े होते तो ये एरिया कवर नहीं होता। आप जैसे लेदर में स्टांस लेते हैं, जैसे विराट कोहली लेते हैं, जैसे एंडर रसल लेते हैं, वो चारों तरफ खेलते हैं, वो स्टांस क्या होता है, सीधा स्टांस होता है, कोई ज़्यादा वाइड नहीं होता। आप ये पैर थोड़ा पीछे रख सकते हो, इससे आगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ये यहाँ पर रख सकते हो पीछे, बस ये ऐसे ले सकते हो ना, आपकी चेस्ट पूरी ओपन होगी। उससे नुकसान क्या होता है, एक ही साइड खेलते हैं, मतलब ज़्यादातर टेनिस प्लेयर एक ही साइड खेलते हैं, तो आप जैसे लेदर से खड़े होते हैं सब, आप भी ऐसे ही खड़े हो सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होता है, आप चारों तरफ आपका बैट जाएगा। देखो, एक आइडिया दिखाता हूँ आपको, अगर आप यहाँ खड़े हो तो गाइस देखिए बैट कहाँ तक जा रहा है, ये बैट जा रहा है, ये रेंज देखे कहाँ तक आ रहा है। अगर आप एक साइड खड़े हो, यहाँ तक आया था अभी आप एक साइड खड़े हो, तो देखिए कितना कम हो रहा है। यहाँ पे आपका स्टांस से देखिए, वैसे गाइस यहाँ पे आ रहा था, अभी यहाँ पे आ रहा है, तो वो कारण क्या है, आप इधर आ गए, आपका फेस इधर आ गया और आपकी चेस्ट भी ओपन है, फिर आप उधर तो जा नहीं सकते हो। तो इसलिए नुकसान है आपको खड़ा, अगर ज़्यादा छक्के मारने, चारों तरफ छक्के मारने, तो खड़ा आपको ऐसे ही होना है, ये पैर आप थोड़ा सा पीछे कर सकते हो बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर स्टांस वैसे आप रख सकते हो, पर जो मेरा मानना एडर स्टांस है वो सिंपल सा होगा, आपको ऐसे खड़ा होना, चेस्ट भी आपकी सीधी रहेगी, उससे फ़ायदा होगा आप चारों तरफ, यहाँ तक बैठ जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, पैर निकाल सकते हो चारों तरफ, तो ये फ़ायदा है। जब आपने स्टांस अपना बेस अपना क्लियर कर दिया, और क्या जब आती है ग्रिप की बात, ये ग्रिप है, तो कोशिश आपको करनी है आपको दोनों हाथ टाइट ही पकड़ने हैं जब भी लंबे लंबे छक्के जाएंगे। अगर ये हाथ ढीला है तो इस जो रेंज में बोलाएगी वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि पूरा पावर जब भी लगता है, जैसे ये वाला हाथ पकड़ा हुआ है तो ये टाइट है, जब भी दूर जाएगा छक्का। तो कोशिश करना है गैप नहीं रखना है और दोनों हाथ टाइट रखने, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है बैट पकड़ते हुए। अब आपको बताऊँ किधर की बॉल किधर, मतलब जैसे आप खड़े हो, अगर आपको दिख रहा है इधर इधर मारना है, मतलब बॉल इधर है, तो आपको इधर ही मारना है, मतलब उसको कोशिश नहीं करनी कि ये ऐसे मारना है। अगर आपको चारों तरफ खेलने हैं तो जिधर की बॉल उधर, क्योंकि हर बॉल पे छक्के मारने के लिए बॉलर अपना पूरा दम लगाएगा, वो चारों तरफ बॉल डालेगा अगर अच्छे बॉलर होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उधर ही मारना पड़ेगा जिधर बॉल डाल रहा है, तो वो हर बॉल पे बॉल चेंज करेगा। तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं, जैसे आप यहाँ खड़े हो वो चेंज करेगा हर बॉल पे, उसने डाला यहाँ पे तो आपने कवर्स के ऊपर से मार दिया, उसने छोटा डाला तो आपने इधर से कर दिया, बैकफुट आ गया, अगर कट पर डाला आपने उधर से मार दिया, वो आएगा कैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करनी कैसे, हर बॉल पे, मतलब हर बॉल पे आपको टाइम देना है, हर बॉल पे बोलना है कि मुझे कट पे खेलनी है, मुझे कोई भी आपका पार्टनर आपको डाल सकता है, अभी मैं डाल दूंगा, आप क्लिप भी साथ में देखते रहना, बीच बीच में डालता रहूँगा। जैसे आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ आपको बोलना है सब बॉल यहाँ डाले, फिर यहाँ से आप उड़ा सकते हो सारी। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बताता हूँ कि प्रैक्टिस से आएंगे वो, बिना प्रैक्टिस के आप एक भी छक्का लगा सकते हो और टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो सीधा सा बताया मैंने, दिमाग से निकाल दो कि रोज़ रोज़ ऐसा होगा, पर जब भी होगा तो तैयार रहना है, जब भी आपका दिन होगा तो हर बॉल पे छक्का लगेगा। फिर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि 4 बॉल पे 4 छक्के लगे, 5 मैंने 5 मार दिए, वो हुआ कैसे, मैं तैयार था, जिस दिन बॉल बैट पे आती है ना उस दिन हर बॉल पे छक्का जाता है। और गाइस, जब भी आप बॉल को हिट करोगे तो बॉल पे चढ़ के आना है, मतलब शोल्डर डाउन करके, अगर बॉल यहाँ पे पिच हो रहा है तो कोशिश करना है चढ़ के आना है शोल्डर से, आप ये नहीं कि उसको खड़ा खड़ा खेल रहे हो, ऐसे पीछे से मार रहे हो तो कभी नहीं लगेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो बैकलिफ्ट है वो पीछे जाएगी और चढ़ के आना है बॉल पे, जब भी जाके हिट लगेंगे। आप बड़े बड़े प्लेयर देख सकते हैं ऐसे ही आते हैं
बॉल पे शोल्डर डाउन करके आना है और फिर जब लग जाएगा फिर जाना है ऊपर उठ के, मतलब जब आप मार दोगे सिक्स फिर उठना है। अगर आप पीछे हो तो नहीं लग सकता, तो कोशिश यही है अगर छोटा बॉल भी खेल रहे हो तो ऐसे जाना है पीछे मारने के लिए। आप पहले ही ऐसे मत खड़े हो फिर वो नहीं लगेगा, आप कंफर्टेबल पोजिशन में नहीं रहोगे। तो कोशिश करनी है कि ऐसे आए बॉल पे, ऐसे उठना है जैसे बॉल आ रही है ना ऐसे, तो कोशिश यही रहेगी कि चढ़ के मारना है। बहुत लंबे लंबे छक्के जाएंगे, ट्राई करो। ये सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको हर बॉल पे छक्का लगाना है उसके लिए बस अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखो और आप बॉलर को जो भी बॉल लूज मिले उसे मारने को देखो। ये सिंपल सी ट्रिक है और क्या, ये सिंपल सी ट्रिक है अगर आपको अगर आपको हर बॉल पे छक्के मारने, अपना माइंड सेट मारने वाला रखो। अगर लूज बॉल मिले तो बाहर करो, कोई भी आपको ये नहीं देखना है कितने ओवर बचे हैं, कौन बॉलर बॉल डाल रहा है, उससे क्या होगा, आप अच्छे हिटर बन जाओगे और आपको छक्के मारना भी आसान लगेगा। फिर मैं भी ऐसे ट्राई करता हूँ, जो गंदी बॉल मिलती है बाहर मारता हूँ, चाहे विकेट भी मेरा चला जाए, मैं बिल्कुल भी सोचता नहीं हूँ। तो आप भी ये करो, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, कुछ भी करियो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है क्रिकेट विशाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।